उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इन दिनों लोगों को भूत दिखाई दे रहा है। हाल ये है कि रात के वक्त लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। लोगों में दहशत है। इस भूत की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं और इसके 3 वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, लेकिन हम भूत के होने का दावा नहीं करते हैं। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के वीडियो कॉलोनी में इस भूत का भय लोगों में बना हुआ है। जब से इसका वीडियो वायरल हुआ है तब से कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि सफेद चौगे में यह भूतनुमा आकृति कभी सड़क पर टहलती है तो कभी पार्क या फिर कभी किसी मकान की छत पर बैठी या चलती है। जब भूत के वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि भूत के एक नहीं बल्कि 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। बताया गया कि पहला वीडियो देखकर लोग जरूर दहशत में थे, लेकिन जब बाकी के 2 वीडियो सामने आए तो सबको यह समझ आने लगा कि यह परछाई नुमा आकृति भूत नहीं बल्कि कॉलोनी के लोगों को डराने के लिए किसी शरारती तत्व की करतूत है। इस बारे में यहां के निवासी गणेश शर्मा ने बताया कि कुछ लड़कों ने यह वीडियो बनाने की बात कबूली है। लोगों को परेशान करने के मकसद से यह सब किया गया है और अब यह मामला लंबा खिंच गया है तो इसके खिलाफ कार्यवाही करने का मन लोग बना बैठे हैं और लोगों ने पुलिस में शिकायत करने की बात भी कही है। जब हम लोगों ने सुबह इन 3 लड़कों को बुला करके पूछा कि आप लोगों ने देखा है भूत को, देखा है क्या? हाँ भी हम लोगों ने देखा है। अलग अलग पूछा उन लोगों से, जैसे भाई जो हम लोग को पता जितना आता है, हम लोग पुलिस तो नहीं है, तो तीनों का एक ही स्टेटमेंट था कि हम लोगों ने भूत देखा है। भूत रह रह के गायब हो रहा था, कभी खड़ा होकर दिखा हमको। हमने कहा 8 सेकंड का वीडियो क्यों बनाया, तो बोला 8 भैया गायब हो रहा था। फिर दूसरी बार वो बैठा हुआ दिखा, 10 सेकंड का बनाया। फिर हमने ढूंढा कि कहाँ गायब हो गया। फिर वो जो है चलता हुआ बाउंड्री दिखाई पड़ा तो उसपे बनाया। तो हम तो उनकी बात को सच मान के, चूंकि कॉलोनी के लड़के थे, हमने सच मान के हम कह के जी। मामला यही है कि मामला क्या है अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मोहल्ले वाले इस भय से 3-4 दिन पहले हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह कुछ लड़के जो रात को पार्क में थे या फिर अपने छत से ये वीडियो बनाए हैं और सुबह उठ के सबको डाला। उसके बाद तो 2 दिन तक तो मोहल्ले में बिल्कुल भय का माहौल था, लेकिन उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि पड़ताल हो कुछ लोगों का। धीरे धीरे हम लोग का ये आ रहा है कि बात पे पड़ताल हो कि कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि खुद से वीडियो बनाया हो, कोई ऐप डाउनलोड हो। लेकिन अभी क्या है तो, लेकिन मोहल्ले वाले इतने डरे हुए हैं कि बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते। पार्क आप देखिए बिल्कुल सुनसान है, ये 3 दिन से कोई भी यहाँ खेलने नहीं आ रहा। बच्चे रात को बाथरूम करने के लिए भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, ये स्थिति। और हम लोग को खुद ही डर लग रहा है जब रात को उठ रहे हैं और वो वीडियो दिमाग में घूम रहा है। तो अब हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, पर यही हम मोहल्ले वाले अब FIR कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि इस चीज़ की पड़ताल हो, ताकि पुलिस वाले बाद में ना कहे कोई खतरा हो तो कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं। बस अब यही है कि पड़ताल हो, सच्चाई क्या सामने हो, ताकि लोगों का भय निकले। मन से एप्लीकेशन आपने कहा, अभी हम लोग पूरे मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन बनाया है और उस एप्लीकेशन को हम लोग लिखे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग देंगे इसको सारे मोहल्ले के सिग्नेचर के साथ।